आपकी हुकूमत आई तो बड़ी हाई होप थी कि वो जो तवी लरसा गुजरा हमारा बारियाँ बदलते हुए उससे आगे चलेंगे और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये छाप नहीं थी कि पैसे कमाएंगे और नोट छापेंगे लेकिन आपने इतना कुछ क्याटिक सीन रखा है तीन साल तीन साल के अंदर ना इकानमी चली है और ना एहत हो सा। क्यों मतलब मेरे ख्याल में नदीम भाई इकानी तो चल रही है लार्ज स्केल मैनुफेक्चरिंग ऊपर है पाकिस्तान की हिस्टोरिकल हैं एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं हाँ, कि चलता, चलता रहे तो फिर ये तो चलिए जहाँ तक आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जनाब ये जो एहतसाब तो सेल बनाया था वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है और वो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन दोनों तरफ से होती रही अपोजिशन की लेकिन जो अंदर होता रहा उसके ऊपर कुछ भी नहीं कभी हुआ यह हमारी जमात में जहाँगीर तरीन साहब तो अभी एक लेटेस्ट अपिसोड है ना और वह खाली जहाँगीर तरीन नहीं है चार्ज बहुत सारे शुगर मिल्स हुई हैं फोकस उनके ऊपर इसलिए कि वो हमारी जमात के और एक वो नेशनल फेस हैं, लेकिन अलीम खान साहब भी जेल हमारी हुकूमत में गए थे अब क्या हुआ बाबर बा, नहीं केस उनके ऊपर जो भी है वो ठीक है वो चल रहा है नैप नैप इज नॉट क्या हुआ नहीं देखिए भी हमारे पास पहले पहले में कंप्लीट कर ना हम हमने कोई इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल नहीं किया लॉ एनफोर्समेंट किया अब अपना काम करें अगर नहीं करें मुझे याद है बिल्कुल शुरू शुरू की बात है मैं एक पी एम साहब के पास अपनी वजारत का केस लेके गया मैंने कहा सर ये देखें ये ये इसमें ये ये, ये ये लोग इन्वॉल्व हैं तो ये कैप लुकिंग एट मी तो कहने लगे एंड मुझे उन्होंने पूछा और तो मैंने कहा नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये कहने लगा तो बोला मतलब तुम मिनिस्टर हो जैसे तुमने अपनी वजारत की चीज़ें ठीक करनी है तो ये भी करो मतलब मुझे लेने की तुम जो करना है जिसको तो तो किया क्यों नहीं हो मैंने, पाया? तो, मैंने तो, सर कौन सा हुआ एहतन जो थे उसमें यह पी के एल आई वाला प्रोजेक्ट भी शामिल था किडनी लिवर ट्रांसप्लांट वाला इतना शोर मचा छप्पन में से कोई एक कंपनी है जैसे उन्होंने किए हैं और आपको पता है कि आप निकाल के आपके आर्काइव में रिकॉर्डिंग सुना ले जजो ना, ना हम ना हम ना ना आप हम नाब कंट्रोल कर रहे हैं

आ, आ, सीफा दिया, फिर देखें, प्राइम मिनिस्टर अच्छा प्रा, आपकी मैं बात मान लेता तो पहले जो प्राइम से बता अपनी हुकूमत में किसको मांगे सीफा। अब इस सीफा। इस आगे चलते है पाकिस्तान में हुआ कोई नहीं है अब आगे बढ़ने के लिए सर आमिर शुरू करते हैं ये बहुत बड़ा आउटकम है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफे ऐसी लोगों को बचा नहीं रही है वो वो तो सारे के सारे भी ऑन लोगों को बचा नहीं रही है और आप सारा का सारा कट्टा एक साथ ही जैसे-जैसे आता जाएगा जाएगा वो होता तो अगर आपको पता है केसेस कितने पुराने पुराने चल रहे होते हैं आपकी पाकिस्तान के केस भी अंदर लोग जो ये सारे होंगे नाम ले रहा हूँ आमिर क्या लेख जाए अगर इल्जाम लगता है वो जाएं कोर्ट में नैब के अकाउंटेबिलिटी जो भी है वो अपना करके फिर वापस आए वो कर रहे हैं हम उनकी मदद तो नहीं कर रहे हैं। हम उनको नैब को कंट्रोल तो नहीं करना चाह रहे हैं। हम जजेस को कॉल करके ये तो नहीं कह रहे कि आप इनको आप अपना इंडिपेंडेंट काम करें में तो आपको में होना चाहिए ताकतवर लोगों का देखिए नहीं होगा लेकिन विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए और आपको याद हो ये जो चीनी और आटे का सारा हुआ था अगर आपको याद हो कि 2020 का ये जनवरी था और मैं हामिद मीर साहब के शो में बैठा था और मैंने हामिद मीर साहब के शो में बैठ के एक बात की थी जिसके ऊपर बड़ा मुझे कहा कि तुम क्या बातें कर रहे हो मैंने कहा कि जी ये वीट का क्राइसिस पहला जो आया था मैंने कहा जो हम फैसले करते हैं ना ई सी में बैठ के मैं वो स्क्रीन के ऊपर हमें ला के डेटा दिखाया जाता है कि जी ये इतनी है इतनी प्रोडक्शन है हम उस उस डेटा पे फैसले करते हैं हमारा काम है दे, जो डेटा लेके आ रहा है वो डेटा अगर गलत है तो फैसला भी गलत है अगर डेटा अगर सही तो फैसला भी ठीक है हम तो डेटा पे फैसला कर रहे हैं अगर जितनी भी चीजें अगर डेटा गलत था और पीछे से गेमें हो रही थी वो जैसी करनी वैसी भरनी अब आप जहांगीर भाई को मैं, मैं सिर्फ एक बात जहांगीर भाई को मैं फिर दोबारा कल भी एक शो में था आपके दोस्त एंकर के शो था दस बजे ए आर वाई पर आज मैं आपके शो में मैं हर शो में उनसे एक आज ताना गुजारे वो बड़ी हमारी पार्टी के सीनियर और उनकी बड़ी आ, बड़ा स्ट्रगल भी हमारे साथ है सब कुछ है 2011 में उन वो आए थे हम तो निन्यानवे से लगे हुए हैं मैं सिर्फ उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं ना वो जो ये अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो ऐसा लगता है वो मरियम और ये शबाज़ और ये उस तरह की करें ये ना करें आप आ जाए ना अरशद शरीफ ने शो करके इतने डॉक्यूमेंट देखा के बैठ जाए उसके शो पे और बोले यार एक एक चीज को मैं बात तुम्हारे से करूंगा मैं उनको कह रहा हूं जिस शो में वो एक दफा अकेले बैठे हैं आपके शो में भी आए थे पहले शुरू में मुझे याद है बैठे ना और आके आप रखें डॉक्यूमेंट बोले ये है सही है क्या गलत है एक वो उन्होंने लीगली डिफेंड करना है क्योंकि वो पॉलिटिकल फिगर हैं उन्होंने मीडिया और पब्लिक में भी नेगेटिव अपना रख तो करें लेकिन ये अगर प्रेशर को बनाना चाहेंगे ये नहीं इमरान खान का भी प्रेशर में आने लगा इमरान खान की हिस्ट्री आप देखें परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो अपने उस्ताद को बिठाया था माजिद खान को दोस्त उनका जाकिर खान था वसीम अक्रम नहीं था लेकिन परफॉर्मेंस में भी वसीम अक्रम को खिलाया जुल्फी बहुत करीब है है लेकिन अगर क्वेश्चन आया जुल्फी क्लियर करे अपने आप को करेगा अगर नहीं है तो हो सकता है कुछ भी ना हो